नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छी सीरीज है, एक आपको जरूर देखनी चाहिए, उसका नाम है द इम्परफेक्ट। ये साइंस एक्सपेरिमेंट के ऊपर पूरी सीरीज है कि सार्काव जो है वो साइंटिस्ट बताए गए हैं इसमें, और ये है ना बिना इजाज़त के एक्सपेरिमेंट करते हैं लोगों पे, और फिर वो एक्सपेरिमेंट के बाद में ना ये बच्चे जो है वो बड़े हो जाते हैं ना, तो इनको अजीब अजीब सा लगने लगता है, इनके अंदर किसी के अंदर पावर्स आ जाती है, कोई जानवर बन चुका है, ऐसा सब लगने लगता है। पर उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इनके पास दवाई रहती है, पर वो दवाई भी अब ख़त्म हो चुकी है। तो ये आते हैं ना साइंटिस्ट के पास, तो वो साइंटिस्ट तो भाग चुका है, अब इनको ठीक होने के लिए वापस से वो साइंटिस्ट को ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे जैसे साइंटिस्ट को ढूंढते रहते हैं ना, इनको अपनी जैसे और भी लोग मिलते रहते हैं, उनकी भी लाइफ ये सार्काव ने ख़राब करी है, उनके अंदर भी पावर आ चुकी है, अब ये बच्चों को वापस से इंसान बनने का है। तो सीरीज में पूरा ऐसा ही दिखाया गया है कि ये साइंटिस्ट को ढूंढते रहते हैं और किस तरह से ये इनकी हेल्प करते हैं, लोग को इनका फ़ायदा भी उठाता है सीरीज में, और बहुत लोग इनकी हेल्प भी करते हैं। पर मुझे लगा था कि सीरीज़ के अंत में ये शायद ये बच्चे जो हैं वो वापस से इंसान बन जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो केमिकल्स जो इन केमिकल्स का जो इंजेक्शन ये बच्चों ने लिया ना लास्ट एपिसोड में, उससे लोग इंसान तो नहीं बने, बल्कि इनकी जो पावर्स है और इनके अंदर का जानवर वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब पहले ये लोग नॉर्मल थे, इनकी जो पावर्स थी वो नॉर्मल थी, पर अब इनकी पावर्स उस केमिकल की वजह से बढ़ चुकी है। तो अब है ना मुझे लगता है कि ये शायद सीज़न 2 का इशारा है, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी तक ये पूरी तरह से इंसान बने नहीं है ना। अगर पूरी तरह से इंसान बन जाते तो शायद सीरीज़ की एंडिंग फर्स्ट सीज़न में हो जाती, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फर्स्ट सीज़न में एंडिंग नहीं हुई, अभी तक इनके अंदर से पावर्स गई नहीं है। मुझे तो ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी देखने में। सीरीज़ में थोड़ी सी वल्गर लैंग्वेज यूज़ करी है, पर अडल्ट सीन एक भी नहीं है सीरीज़ में। आप ये सीरीज़ को फैमिली के साथ भी देख सकते हो, इतनी बहुत अच्छी सीरीज़ है ये, एंटरटेनिंग भी है, आपको एक भी एपिसोड में ना ऐसा बोर फील बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने पूरी सीरीज़ देखी है, बहुत अच्छी लगी मुझे। आपने द इम्परफेक्ट सीरीज़ देखी है तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख लो, हिंदी डबिंग में अवेलेबल है, बस हिंदी में ही है, और भाषा में डब नहीं करी है। तो आपने देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना।